aspects of science in which we study about the parts of living things, the internal parts of living things, is known as anatomy. B, the second one is B. B is for bacteria as well as botany. Bacteria is very, very small, single cellular organisms. And botany is the branch of science in which we study about plants. C for cell. Cell is the basic structure and functional unit of life. This is for Drosophila. Drosophila is the scientific name of a fruit fly. Fruit fly is a type of madhumakhi, या फिर मक्खी जैसी होती है वो, उसको हम साइंटिफिक नेम है उसका ड्रोसोफ इकोसिस्टम. एंड इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स. ए इज फॉर एम्पियर, इट्स अ यूनिट ऑफ करंट. करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. देन बी इज अ ब्लैक होल. इट अ ब्लैक होल इज अ रीजन इन अ स्पेस टाइम इन विच द ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट स्ट्रॉन्ग that nothing can come out from it, nor the electromagnetic radiation, nor the light can come out from it. So this is the place where we consider that time is zero. यहाँ space time का universe का वो reason होता है जहाँ पे force of gravitational इतना strong हो जाता है कि उसमें से कुछ भी चीज़ बाहर नहीं आ पाती है. Even जो electromagnetic radiation होते हैं, lights होती है, वो भी उसमें से बाहर नहीं आ पाती है. इसके कारण हम उस स्पेस को ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो टाइम है वो रुक जाता है, टाइम चेंज नहीं होता. सी इज द कैलोरी. कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. जब भी हम किसी फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उससे हमको एनर्जी मिलती है और उसको हम कैलकुलेट कैलोरीज में करते हैं. एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री. ए फॉर एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मीन्स कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर ले तो उसको हम एम्फोटेरिक कहेंगे. सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज आइदर एन एसिड और अ बेस. वर्ड बी, बी फॉर बफर. आइदर अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट और एल्स अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट देन फॉर्म एन एक्वियस सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट पीएच चेंज. आप लोगों का ब्लड भी जो है एक बफर सॉल्यूशन है. बफर मीन्स जिसमें थोड़ा टेम्परेचर चेंज अगर आएगा तो वो पीएच में चेंज नहीं आएगा अगर उसमें कुछ भी एसिड और बेस को हम ऐड करते हैं तो. सी, सी फॉर कैटेनेशन. बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ वाया कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग अ चेन और रिंग. आप लोगों ने कार्बन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कैटेनेशन. कार्बन क्या करता है, सेम एटम्स के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक चेन या फिर रिंग या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन. डोल्टन्स लॉ. डोल्टन ने पार्शियल प्रेशर को लेकर लॉ दिया था. डोल्टन ने बताया था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस किसी कंटेनर में या वेसल में प्रेजेंट है तो जो वेसल का टोटल प्रेशर रहेगा वो ईच गैस का पार्शियल प्रेशर का सम रहेगा. सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर उसको सम करके जो भी प्रेशर आएगा वही हमारा वेसल का टोटल प्रेशर रहेगा.